आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि बीएससी पार्ट वन ऑनर्स में हम लोगों की जो पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, और अभी आपको बता दें कि मेरा नाम हुआ डॉक्टर राहिब हसन और मैं आप लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बीएससी पार्ट वन ऑनर्स में। सबसे पहले जानना है स्टार्ट में फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या है जो आपको पढ़ना है और कैसे स्टार्ट करना है। जैसा कि आप लोगों ने 11 ट्वेल्थ में भी कुछ बेसिक्स पढ़ा होगा, उसी का कुछ फर्दर एडवांस एलेबोरेशन है बीएससी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड और आगे पीजी। तो इस तरह से आपको देखना ये है कि बीएससी पार्ट वन में स्टेट्स सबसे पहले पढ़ना है, स्टेट्स यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि आप जानते हैं के बीएससी पार्ट वन में सबसे पहले जो आपका सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री में शुरू होगा वो स्टेट्स से ही शुरू होगा। स्टेट्स में आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस आपका है, सॉलिड लिक्विड और गैस, गैस ये तीन स्टेट है। इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गैस, गैस से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 11 ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये ग्रेजुएशन में है, आप आ गए हैं यूजी लेवल में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है गैसेस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या इसी को ही काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं, थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको देने वाले मैक्सवेल और थे और बोल्ट्जमैन, इसको जो दिया था ये थ्योरी को मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया। तो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर यही है। तो आप लोग ये समझ लें कि काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी क्या है या काइनेटिक थ्योरी क्या है। आपको जैसा कि मालूम है कि गैसेस जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं और जिसको कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो आइडेंटिकल होते हैं आपस में, एक तरह के होते हैं। तो इसमें जो है पोस्टुलेट्स यानी थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी, अजम्पशन जिसको कहते हैं, मान्यता, क्या मान्यता है, क्या मान के चलेंगे, कुछ चीज़ें हम मान के चलेंगे काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी में या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसमें आपको जो है मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर टाइप से पढ़ा दें ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टैकल करने में आसानी हो। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आपको ये ध्यान देना है कि पहला पॉइंट ये है कि गैसेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, एंड दे आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। तो इसी गैस का आपस में। तो इसके बाद दूसरी बात ये है, दूसरी थ्योरी ये है कि गैसेस में जो होता है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर तरह से बराबर होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये रैंडम काइनेटिक मोशन में होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें। गैसेस आपस में रैंडम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसको हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं, रैंडम यानी ये काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोई गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में काइनेटिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसी तरह से इसमें वेलोसिटी के साथ, चूंकि वेलोसिटी की बात है इसलिए काइनेटिक वर्ड है, ये जो काइनेटिक वर्ड है इसका मतलब होता है इन मोशन और इन मूवमेंट। इम्पॉर्टेंट बात जो फोर्थ है
वो ये बोलती है assumptions of kinetic theory of gases में कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है आपस में कोलाइड करते हैं इस तरह से कोलाइड्स करते हैं। और उसके बाद पांचवी इम्पोर्टेंट बात ये है कि गैसेस जो होते हैं इनके प्रेशर्स को कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। प्रेशर जो होता है गैस में, द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिकॉर्डेड बाय द नंबर ऑफ हिट्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसे ये दीवार है, दीवार में हिट कर रहा गैस का पार्टिकल, तो उससे जो है प्रेशर को हीट करेंगे। जैसे प्रेशर कुकर में, कुकर का प्रेशर जो होता है जितना ज़्यादा हीट करता है तो जल्दी जल्दी खाना बनता है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको समझना है कि दीवार पर हीट करते रहना और ये टेम्परेचर का इसमें रोल है। इसके बारे में आपको जानना है कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिकॉर्डेड बाई द नंबर ऑफ हिट्स रिकॉर्डेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब ये है कि दीवार पर जो जितना कंटेनर पर जो आपका ढक्का लगेगा उसी से ये होगा। और इसमें इलास्टिक जो होता है ये जो है कोलिजन होता है, तो ये जो है